नमस्ते दोस्तों, पहले तो आप सभी लोगों का शुक्रिया। जो लास्ट वाला मेरा वीडियो था, बीएचएमएस लोगों को गवर्नमेंट स्कीम में क्यों नहीं लिया जाता है, उसको बहुत सारा प्यार देने के लिए फिर से आप सभी लोगों का शुक्रिया। अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं एनसीएच से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो ओल्ड पास आउट डॉक्टर है बीएचएमएस, इसका जो नंबर है वो तकरीबन 2,80,000 के आसपास है, तो इन सभी लोगों को गवर्नमेंट स्कीम में शामिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूं। तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और जो मैं इसमें बताने वाला हूं इसका पढ़ाई कर चुका हूं इसलिए मैं बता रहा हूं। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है आरटीआई से मुझे मिले हुए, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि क्यों होम्योपैथिक डॉक्टर्स को गवर्नमेंट स्कीम में नहीं लिया जाता है, क्या क्या उनमें लैकिंग है, तो उसको कैसे फुलफिल किया जा सकता है ये मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जो कारण है वो हम देख लेते हैं। तो उसमें चार टॉप कारण आते हैं। उसमें सबसे पहला कारण आता है कि इनको जो सिलेबस है ओल्ड वाला उसमें एलोपैथिक फार्मेकोलॉजी नहीं है या मॉडर्न फार्मेकोलॉजी नहीं है। दूसरा, उनको इमरजेंसी मैनेजमेंट का ट्रेनिंग नहीं है, सर्जिकल मैनेजमेंट जो माइनर सर्जिकल प्रोसेस होते हैं उसका ट्रेनिंग नहीं है, और गायनेकोलॉजिकल जो ट्रेनिंग होती है मैनेजमेंट एएनसी वगैरह इसका ट्रेनिंग नहीं है। ऐसा एक कमिटी बनाई थी एनआरएचएम डिपार्टमेंट में, जिसमें ऐसा बताया है कि ये लोगों को, बीएचएमएस लोगों को ये ज्ञान नहीं है, इसलिए इनको गवर्नमेंट स्कीम, मेडिकल ऑफिसर, सीएचओ पोस्ट हो गई, फिर एनआरएचएम और बहुत सारी पोस्ट है, इसके लिए नहीं लिया जाता है। तो हम सबको अभी ये बात करनी है कि एनसीएच को एक ईमेल करना है जिसमें ये बताना है कि हमें ये चार चीजें, मॉडर्न फार्माकोलॉजी, इमरजेंसी मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और गायनेकोलॉजिकल मैनेजमेंट का एक कोर्स तैयार किया जाए। और इसका क्लासिकल एग्जांपल है महाराष्ट्र सरकार ने जो सीसीएमपी कोर्स तैयार किया है, वो आप लोग सर्च कर सकते हो या आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने ये काफी अच्छा कोर्स तैयार किया है 2014 में, इसके लिए जो है संसद में जो है लॉ भी पास किया है। और एक और एक रिक्वेस्ट आपको करनी है एनसीएच को कि जो ओल्ड सीसीएच है उन्होंने एक केस दायर किया है, फाइल किया है कोर्ट में, कि जिसमें ये जो कोर्स है इसको स्टे लाने के लिए या इसको खारिज करने के लिए उन्होंने ऐसा बोला है कि ये लोग सिर्फ होम्योपैथी का ही प्रैक्टिस करेंगे, ना कि एलोपैथी का। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप वो कोर्ट का केस जो है उसको वापिस ले लीजिए, ताकि ये जो कोर्ट केस चालू है 2014 से वो भी रिटर्न हो जाएगा, और उसमें स्टैंड जो है बीएचएमएस लोगों का वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं फिर से दोहरा रहा हूं हमें क्या क्या करना है। तो हमें एनसीएच को मेल करना है, डॉक्टर अनिल खुराना जी है, डॉक्टर तारकेश्वर जैन जी है, इनको मेल करना है। मेल में हमें मैं आपको एक, हमारे एक डॉक्टर है डॉक्टर शिर सागर सर, उनका भी एक मेल है, वो मैं आपको चाहे तो उसका कॉपी देता हूं, वो आप वैसे के वैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। उन्होंने काफी अच्छी तरीके से लिखा है क्या क्या स्किल डेवलप करनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या कोर्स तैयार करना चाहिए। उसका सबसे अच्छा क्लासिकल एग्जांपल जो है वो है सीसीएमपी कोर्स जो महाराष्ट्र सरकार ने तय किया है। तो एनसीएच से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि उन्होंने जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको जो ट्रेनिंग चाहिए वो ट्रेनिंग आपके पुराने होम्योपैथिक कॉलेज में चालू कीजिए, या फिर आप एलोपैथिक कॉलेज, जैसे महाराष्ट्र सरकार ने एलोपैथिक कॉलेज में चालू किया है गवर्नमेंट कॉलेज में, वैसे आप चालू कीजिए। तो फिर से बात मैं दोहरा रहा हूं कि हमें क्या करना है, हमें मेल करना है एनसीएच को, डॉक्टर तारकेश्वर जैन जी, अनिल खुराना जी और भी जो मेंबर्स है उनको आप मेल कीजिए, उसमें पांच बातें लिखिए। पहला, कि जो ओल्ड बीएचएमएस लोग हैं उनको मॉडर्न फार्माकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, उसलिए कोर्स डिजाइन करें, उसका क्लासिकल एग्जांपल सीसीएमपी है, फिर उसमें मेडिसिनल इमरजेंसी मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, गायनेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ये सब कुछ आता है। तो इससे क्या हो जाएगा, जो कमिटी ने बताया था कि ये पॉइंट्स इन लोगों को नहीं आते हैं, तो फिर ये पॉइंट उनके कवर हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली हम सब लोग जो है गवर्नमेंट स्कीम में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो जो है
आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन एनसीएच तक पहुंचेगी। थैंक यू।